राम कथा के रसिक श्रोताओं एवं दर्शकों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस का प्रारंभ करते समय एक बड़ी अच्छी चौपाई की। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाही काम मद तंभा। विमल कथा, पवित्र कथा का आरंभ करने जा रहा हूं, जिसको सुनने से काम आदि मद दंभ नष्ट हो जाएंगे। अभी तक नाम नहीं बताया, रामचरित मानस ये ही नामा, इसका नाम रामचरित मानस है। सुनत श्रवण पाइये विश्रामा, कानों से सुनने के बाद बड़ा विश्राम मिलता है। यह कथा व्यथा को दूर करती है। मित्रों, नाम इसका रखा रामचरित मानस। मुझे असंख्य विद्यार्थियों की कॉपियां जांचते समय समझाना पड़ा, रामचरित्र नहीं है, रामचरित मानस है। आज पहले मैं इसका अर्थ बता देना चाहता, आपसे गलती न हो। आपसे राम चरित और चरित्र में, चरित्र आचरण होता है और चरित्र जीवन होता है। राम का जीवन राम चरित मानस, मानस तालाब को कहते हैं, मानस हृदय को कहते हैं। गोस्वामी जी राम के चरित्र का ये तालाब, ये सरोवर बनाया, इसकी सीढ़ियां बनाए। किसी भी महाकाव्य के कुछ खंड होने चाहिए, अध्याय होने चाहिए। रामचरित मानस में कांड हैं, सात कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये सात कांड हैं। यूं कांड शब्द जब हम कहीं सुनते हैं, कोई कांड हो गया तो हमें घबराहट हो जाती है। लेकिन तुलसी का ये काव्य, तुलसी का ये ग्रंथ एक ऐसा कांड लेकर आता है जहां तबीयत खुश हो जाती है, जब हम कहते हैं आज सुंदर कांड है। उन्होंने नामों का भी बड़ा सही निरूपण किया है। हमारे रिद्धि सिद्धि प्रवाह चैनल के प्रारंभ होने के बाद ये मेरा पहला उद्बोधन है। मैं सुंदर कांड पे आपसे बात करना चाहूंगा। सुंदर कांड की सबसे बड़ी विशेषता यह है, गोस्वामी जी ने हर कांड की शुरुआत पहले संस्कृत की वंदना और संस्कृत की वंदना के बाद दोहा या सोरठा लिया है। कोई भी कांड आप देख लेंगे, छह कांडों को उठाकर देख लीजिए, हर कांड की शुरुआत या तो दोहे से हुई है या सोरठे से हुई है। पहला तो पहला कांड देख लेते हैं, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामा पितो लिखा, वंदना हो गई। जब शुरुआत करते हैं हिंदी की, जे सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करिवर वदन करो अनुग्रह सोए बुद्धिरास सुगुण सदन। लेकिन एक कांड ऐसा है सुंदर कांड मित्रों, जिसमें उन्होंने शुरुआत ही नहीं की दोहे से। आप देखें सुंदर कांड उठा करके, उसकी पहली चौपाई ही शुरू कर दी संस्कृत की वंदना के बाद। केवल पहली चौपाई शुरू करते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, चौपाई आ गई सीधे। प्रश्न उठता है आखिर क्यों नहीं दोहा लिखा गया। हम तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रश्न बड़ा विचारणीय है। जो लोग घर में अपने पाठ करते होंगे, पाठ की समाप्ति या पाठ का प्रारंभ दोहे से ही होता है, दोहा विश्राम देता है। जब हम रामायण को बंद करते हैं, रामचरित मानस के पाठ को बंद करते हैं, तब दोहे तक आते हैं, दोहे से ही विराम लिया जाता है। इसमें उन्होंने विराम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसका पहला दोहा आप अगर ध्यान से देख लें तो स्पष्ट कर देता है कि विराम नहीं चाहिए। हनुमान जी सीधा कहते हैं, हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। हम अपनी प्रसंग में आएंगे तो कहने का आशय कि उन्होंने इस कांड को सीधा जारी रखा। राम के कार्य में कहीं रुकावट नहीं, कहीं व्यवधान नहीं। हम कोई दोहा या सोठे चौपाई की शुरुआत नहीं करेंगे और पहली चौपाई को लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए। कोई प्रसंग का पता नहीं है, निश्चित रूप से जामवंत के वचन यहां है नहीं सामने।
अगर इस कांड को कोई पढ़ना बैठेगा, वो पहले किष्किंधा कांड में है। कहानी का प्रारंभ ये होता है, समुद्र के तट पर सारी वानर सेना आ चुकी है, सब परेशान हैं, आगे समुद्र है, अभी तक चले आए, समुद्र में कौन जाए, किसको भेजा जाए। एक हल्की सी बैठक उन लोगों ने की, अंगद ने साफ मना कर दिया। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा, मैं चला तो जाऊं मेरे हृदय में लौटने में संदेह है। अंगद के लौटने में क्यों संदेह था, कभी अंगद के प्रसंग बात करेंगे। अंगद का प्रसंग बड़ा विशाल है, एक हफ्ते तक चले अगर अंगद के प्रसंग पर बात की जाए। अंगद ने मना कर दिया, जामुन तो वृद्ध हैं। एक और कोने में खड़े हुए हनुमान जी चुपचाप खड़े थे, जामुन ने देखा हनुमान चुप खड़े हैं। जामुन हनुमान जी के पास जाते हैं, क्या बात है क्यों चुप हो। वो कहते हैं का चुप साध रहे हो बलवाना, अरे पवन तनय बल पवन समाना। अरे हे हनुमान तुम्हारे पास तो हवा के पवन तनय, हे पवन पुत्र तुम्हारे पास तो विशाल बल है, तुम क्यों चुपचाप खड़े हो। इतना नहीं, हम उस प्रसंग में नहीं जाएंगे, हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास नहीं था उस समय, शापित थे। लेकिन जामवंत जी उन्हें याद दिलाते हैं, राम काज लगे तब अवतारा, तुम्हारा अवतार ही राम काम के लिए हुआ है, और सुनता ही भयो पर्वताकारा। ये वाक्य सुनते ही हनुमान जी विशाल काय बन गए, भीम काय बन गए। जामवंत के वचन सुहाए, उन्हें अच्छे लगे, राम के कार्य के लिए उनमें उत्साह आया, जागृति आई। हनुमान जी जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, बहुत अच्छा लगा, और साफ कह दिया ठीक है कोई नहीं मैं जा रहा हूं, और कहकर जाते हैं। तबलग मुहि परखे तुम भाई, हे भाइयों यहां पर रहकर मेरी प्रतीक्षा करना, समुद्र तट पर आराम से सही दुख, तमाम दुखों को सहन करते रहना। कंद क्या हुआ, कंद मूल खा करके आराम से समय बिताना, कष्ट झेलना, मैं आ रहा हूं। तब लग आऊं सीता ही देखी, तब तक मैं जाके सीता को देखाता हूं, कोई है काज मुई हर्ष विषय की, मुझे विशेष हर्ष है काम पूरा हो जाएगा। हम अपने प्रसंग पर आते हैं, विशेष रूप से हनुमान जी जा रहे हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जरा ध्यान से चौपाई को सुनिएगा। जात पवन सुत, हनुमान जी जा रहे हैं, देवन देखा, देवताओं ने देखा, देवता इस तरफ है, इसका मतलब जाते हुए देख रहे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम किसी को आते हुए देखते हैं तो उसका मुख दिखाई पड़ता है, जाते हुए देखते हैं उसकी पीठ दिखाई देती है। जात पवन सुत देवन देखा, देवताओं ने देख लिया, देवता इधर हैं, हनुमान जी जा रहे हैं। कहां देवताओं को मदद करनी चाहिए मगर मदद नहीं की, जाने कहां बल बुद्धि विशेखा, हनुमान जी के बल और बुद्धि का मूल्यांकन करने के लिए कि जा तो रहा है ये व्यक्ति, इनके अंदर बल है, बुद्धि है, विशेष है कि नहीं है। लंका पहुंचना है, निशाचर की नगरी में पहुंचना है, एक से एक विशाल काय राक्षस होंगे, मायावी होंगे, हनुमान की परीक्षा लेनी चाहिए, देवताओं ने ऐसा निर्णय कर लिया। जाने कहां बल बुद्धि विशेखा, और उन्होंने किया क्या, अब सोचिए उस हनुमान जी की परीक्षा ली जा रही है, जिनके बारे में अतुलित बल धामम हैं शैला भदेहम धनुजन प्रसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, या मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री राम दूतम सरलम प्रपद्ये। उस हनुमान की आज परीक्षा ली जा रही है, और देवताओं ने काम कर लिया, एक को भेज दिया पीछे से, सीबीआई जांच लगा दी। देख लीजिए, सुरसा नाम अहिनिकय माता, सुरसा नाम था, अहिनिकय माता, अहि कहते सर्प, सांपों की मां। हनुमान जी की परीक्षा लेनी है, भेजा किसको जा रहा है, एक महिला को, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, और एक स्त्री, और वो भी स्त्री सांपों की मां, बड़ी विचित्र स्थिति है। सुरसा नाम अहिनिकय माता, पठाइन आए कही ते ही बाता, चौपाई को ध्यान देंगे साथ ही साथ मेरे हाथों की ओर देखेंगे। जात पवन सुत देवन देखा, जा रहे हैं ये,
जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहां, जाने के लिए बल बुद्धि विशेखा, बल और बुद्धि का विश्लेषण करने के लिए। सुरसा नाम इसको मान लेते हैं, सुरसा नाम अहिनी के माता पठइनी, होना चाहिए था पठइनी जाए कही तेही बाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। अरे भी कोई आगे जा रहा है, आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति गया, आप यही तो कहेंगे अरे दौड़ के जाओ उनसे कहो नहीं जाना है, या उनसे जाकर ऐसा कह दो। जब कोई जा रहा है तो हमको कहना पड़ेगा जाकर। और गोस्वामी जी लिखते हैं पठइनी सुरसा नाम अहिनी कै माता और पठइनी, देखे भेज रहे पठइनी जाए नहीं, कहते हैं गोस्वामी जी पठइनी आए कही तेही बाता। इसका मतलब अजीब बात है, उसे जाकर कहना चाहिए, वो आकर कह रही है, वो कहां से आई। बड़ी सुंदर बात है, समझने का प्रश्न है। सुरसा को ही क्यों भेजा गया, सुरसा कौन है? सुरसा सांपों की मां है। सांप जो है बहुत तेज भागता है, पहली बात, इतनी तेज भागी वो कि बहुत आगे निकल गई, और जब आगे निकल गई हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दिए, फिर वो लौटती है। कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति साइकिल या स्कूटर से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, या पैदल जा रहा है, पैदल वाला आदमी, आपने उसके पीछे किसी बाइक को भेज दिया जाके पकड़ के आओ, अब बाइक वाला बहुत आगे निकल गया यार, वो अब तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब है कि हम पीछे छोड़ा है, फिर लौटता है। वही हुआ, सुरसा बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है, और आगे बढ़ जाने के बाद जब वो लगा इतनी दूर तो अभी नहीं आए होंगे, अभी तो चले थे, तब वो फिर लौटती है, और लौट करके तो सुरसा नाम अहिनी कै माता और पठइनी जो भेजा आए कही ते, इतनी तेज भाग गई, फिर लौट के आती है और सामने से आकर कहती है। प्रश्न देखिए बड़ा सुंदर है, अगर भेजना ही था तो किसी और को भेज देते, सांप को ही क्यों भेजा? सांप स्त्री को, पहली बात तो स्त्री, अरे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्हें स्त्री को भेजा गया। तमाम फिल्मों में देखा होगा, अगर हीरो या नायक किसी कार्य के लिए जाता है तो उसको परेशान करने के लिए कोई खलनायिका के रूप में या परीक्षा लेने के लिए स्त्रियां भेजी जाती हैं। हनुमान जी जरा शक्तिवान, एक स्त्री भेजी गई ताकि हनुमान जी को मोहित कर ले और हनुमान जी की स्वीकार हार जाए, नंबर एक। नंबर दो, अगर स्त्री भेजनी थी तो अहिनी कै माता, अरे सांपों की मां को क्यों भेजा गया? कभी सोचा है आपने, सांप खाता क्या है? सांप वायु का सेवन करता है, हवा खाता है, हवा का भक्षण कर जाता है, और हवा कौन है? पवन पुत्र हैं हनुमान जी। जरा सोचिए, जब वो इनके पिता को नहीं छोड़ता, पवन को नहीं छोड़ता, तो अगर गड़बड़ी करेंगे तो हनुमान जी को छोड़ेगा। बुल दो चीजों की परीक्षा होनी है, बल की और बुद्धि की, ध्यान रखिएगा। अक्सर गलती होती है लोगों से, कुछ लोग बलवान होते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग महत्व है दोनों का, जब तक दोनों एक साथ नहीं मिलते सफलता नहीं मिलती। अरे आज मेरे पास कम से कम 10-20 लोगों से बात हुई, फोन आए, लोग परेशान कर रहे थे पालघर वाली घटना को लेकर, कुछ बहुत क्रोधित थे, इसलिए कुछ होना चाहिए, संतों की हत्या हुई है, लेकिन वहां केवल बल से काम नहीं बनता, बुद्धि से भी काम लेना होगा। कुछ जगह बुद्धि आती है काम, कुछ जगह बल, और किसी मंजिल को पाने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। हनुमान जी के बल और बुद्धि का परीक्षण करने के लिए सुरसा चलती है। एक और बात, सुरसा स्त्री है, हालांकि कहा तो रावण ने ही था, किंतु बात बड़ी मार्के की है। रावण ने कहा नारी में 8 अवगुण होते हैं। गोस्वामी ने बड़ी सुंदर बात लिखी, वेद पुराण निगम सब कहीं, अवगुण 8 सदा उड़ रही। स्त्री में 8 अवगुण बता दिए, कौन कौन से? साहस, अंधत्व, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। मैं इनके अर्थ बताऊंगा, ये 8 अवगुण हैं स्त्री के। पहले नंबर साहस, स्त्री बहुत साहस होता है, इतनी साहसी नहीं होनी चाहिए, अवगुण माना गया उसका। साहस अनर्थ, झूठ बोलना, चपलता चंचलता, माया मायावी रूप, भय डर, जहां साहसी होती है वहां डरपोक भी होती है, भय अविवेक अज्ञानता, अशौच अपवित्रता, अदाया निर्दयी, ये 8 अवगुण हैं। मगर मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, ये 8 अवगुण स्त्री के कहे तो गए, लेकिन जब कोई पुरुष किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखता है तो ये 8 अवगुण उस पुरुष में प्रवेश कर जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा,
स्त्री का संपर्क होते ही ये आठों अवगुण पुरुष में प्रवेश कर जाते हैं। आप कहीं कोई उदाहरण दे सकते हैं? आप देख लेते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण रामचरितमानस में आते हैं। अरे नारद जी ऋषि थे, सर्वश्रेष्ठ ऋषि थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन जब उन्होंने विश्व मोहिनी को देखा, विश्व मोहिनी को देखते ही नारद जी की बुद्धि पलट गई, ये आठों अवगुण नारद जी में आ गए। आप देख लीजिए कैसे आ गए। सबसे पहला गुण है साहस। नारद जी जब उस विश्व मोहिनी को देखते हैं, आने दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, ये हमारी बेटी है देख लो। नारद जी में इतना साहस आता है, उसको देखने के बाद सब कुछ छोड़ देते हैं, बस एक ही काम चाहिए। कहते हैं जब तक कछ न होए तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, किस प्रकार मुझे इस लड़की ये मिले, किस प्रकार शादी हो, करो जाए सोई जतन विचारी, अभी जाकर के सारे उपाय कर लूंगा, मुझे इस लड़की से विवाह करना है, इस बाला से विवाह करना है, विश्व मोहिनी से विवाह। साहस नारद जी में आ गया। अनर्त झूठ बोलना स्त्री का दूसरा अवगुण है, नारद में प्रवेश कर गया। नारद जी झूठ कहां बोले, देखें आप उसका हाथ देखा बड़ा सुंदर। गोस्वामी जी लिखते हैं लक्षण सब विचार उर राखे, मन में रख लिए और कछुक बनाए भूप संभाखे, उसके पिताजी को बता के दिया ऐसा है वैसा है। झूठ बोलना भी आ गया। साहस अनर्त चपलता चंचलता नारी का गुण, अवगुण जो पुरुष में कैसे प्रवेश करता है, जिस समय विश्व मोहिनी जयमाल लेकर आती है, राज दरबार भरा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, वो जयमाल लेकर आती, स्वाभाविक है जो कन्या आई है जयमाल लेकर उसको जिसकी मर्जी होगी उसे गले में डालेगी। हनुमान जी बार बार उचक रहे हैं, यही चपलता है। गोस्वामी जी लिखते हैं अरे पुण्य पुण्य मुनि उकसही अकुलाही और देखी दशा हरि गण मुस्काही, जो हरि के गण है गण थे समूह जिनको भेजा था शंकर जी ने, वो मुस्कुरा रहे हैं। चंचलता भी हो गई, साहस अनर्थ चपलता। चौथा अवगुण माया, भगवान की माया ही तो थी। मैं नारद के प्रसंग में नहीं हूं, मैं स्त्री के आठ अवगुण जो पुरुष में आते हैं उसकी ओर कुदृष्टि डालने पर इस बात की चर्चा करूं। माया कैसे, वही नारद जब श्राप देने लगते हैं भगवान को, भगवान ने क्या किया, जब हरि माया दूर निवारी नहीं तहां रमान राज, वो माया भी दूर हो गई, वो माया का गुण भी उनके अंदर लिपायमान हो चुका था। साहस अनर्थ चपलता माया भय डर भी है। भगवान से कहते हैं हे भगवान आनि भांति नहीं पाओ ओही, मैं किसी प्रकार भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता हूं, बस एक ही तरीका है आपन रूप दे प्रभु मोही, मुझे अपना रूप दे दो। भय भी है, अविवेक अज्ञानता, कितनी बड़ी अज्ञानता स्त्री का अवगुण जो नारद में प्रवेश कर गया। और वह अज्ञानता ये थी एक संत होकर, एक बाल ब्रह्मचारी होकर, एक ऋषि होकर विवाह करने के लिए प्रेरणा बना ली। वो स्त्री जो कभी उनकी मां थी, इसलिए भगवान की माया है। भय अविवेक असौच अपवित्र, आप सोचे भगवान ने खुद कहा अरे अरे नारद तुम खुद सोचो वो है कौन, वो मेरी माया है। जब भगवान तुम्हारे पिता हुए तो मां है, तुम मां के साथ शादी करने जा रहे हो। भय अविवेक असौच अदाया, और दया नहीं रहती, निर्दयी हो जाते हैं। नारद निर्दयी हो गए जब नारद ने अपना रूप देखा और उस रूप में बंदर का रूप देखा शाप देने के लिए भगवान, तो बिगड़ कर गुस्सा होकर चल दे, दही हो साप की मरियों जाई जगत मोर उपहास कराई, ये निर्दयी भगवान मिल गए। नारद जी गुस्सा में चले जा रहे हैं, क्रोध के कारण आग बबूला हो रहे हैं। बीच ही पंथ मिले तनुजारी संग रमा सोई राजकुमारी, सोचिए एक व्यक्ति क्रोध में चला जा रहा हो, सामने भगवान मिल गए तुरंत, क्योंकि वही जयमाल डलवा के गए थे, और सामने उनके साथ में है कौन। बीच ही पंथ मिले दनुजारी संग रमा और सोई राजकुमारी, एक तरफ लक्ष्मी जी हैं और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी है, आग लग गई और अधिक। अरे ये तो सामने, और बस फिर क्या था, भगवान को शाप देना शुरू कर दिया। यही तो अविवेक है, यही अदाया है। भगवान को सीधा शाप देते हैं, वंचे हो मोहि जवन धरि देहा, नारद जी ने शाप दिया मुझे जौन सी देह धारण करके तुमने वंचित किया है। भगवान राजकुमार बने थे, असोई धनु धरो साप मम एहा, वही शरीर धारण करोगे तुम, भगवान को दोबारा राम बनना पड़ा। यही नहीं कपिया कृति तुम की न हमारी, तुमने मुझे बंदर बनाया था, करहे किस सहाय तुम्हारी, तुम्हारी बंदर ही सहायता करेंगे। हनुमान जी ने सहायता की ढूंढने के समय जब उनको राम का अवतार धारण के लिए, यही नहीं तुमने मुझे स्त्री के लिए दुखी कर दिया, नारी विरह तुम हो दुखारी, तुम भी स्त्री के लिए दर दर भटकोगे जैसे मैं थोड़ी देर भटकाऊं। भगवान को 14 साल भटकना पड़ा कहने का।
आशय ये कि स्त्री के आठ अवगुण होते हैं और ये आठों पुरुष में आ जाते हैं। नारद जी तौधा मैंने आपको दिया, आज स्त्री इसलिए भेजी गई, सुरसा को इसलिए भेजा गया कि तुम जाओ, और अगर हनुमान के अंदर बल और बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो फिर हनुमान पराजित हो जाएंगे, उन्हें लौटा लिया जाए। रावण के यहां रावण का वध, राक्षसों से रहित धरती का लक्ष्य जो है वो पूरा पहुंचती है। सुरसा हनुमान जी के सामने जाकर अपना भेष बदल लेती है, एक राक्षसी बन जाती है। सुरसा नाम अहिन कह माता पठैन भेजा, पठैन आए कही तेही बाता, क्या कहा क्या बोली, बोली आज सुरन मुहि दीन आहारा, आज मुझे सुर माने देवताओं ने आहारा, आहार कहते हैं भोजन को, आज मुझे देवताओं ने भोजन दे दिया। भोजन क्या था सामने हनुमान जी को देखकर, आज सुरन मुहि दीन आहारा, मुझे भोजन दे दिया, मिल गया, अब मैं भरपेट खा लूंगी। आप देखें हनुमान जी की बल और बुद्धि, केवल बल से काम नहीं किया, कहती आज सुरन मुहि दीन आहारा और सुनत वचन कह पवन कुमारा। अगर बल का प्रयोग दिखाते तो मारपीट शुरू कर देते, नहीं, बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहते हैं राम काज कर फिर मैं आऊं, मैं राम का काम करने जा रहा हूं, और जब मैं राम के काम में जा रहा हूं मैं बीच में कोई व्यवधान नहीं चाहता, बीच में रुकना नहीं चाहता, राम काज कर फिर मैं आऊं, फिर क्या आऊंगा, वापस आता हूं। हंसने लगी, दोबारा अपनी जान देने आओगे, बोले सच कह रहा हूं, राम काज कर फिर मैं आऊं, और क्या करूं, एक काम और करूंगा, केवल सीता कह सुधि प्रभु ही सुनाओ, और फिर सीता जी की बात जाकर राम को बताऊंगा, तब तक तुम मुझे न खाओ, तब तब पतन पैठी हूं आई, तब तुम्हारे बदन में प्रवेश कर जाऊंगा, तुम मुझे खा जाना। मान नहीं रही थी, कैसे विश्वास करूं, हनुमान जी से मां कह दिया, तब तब पतन पैठी हूं आई, अरे सत्य कहो हूं वहीं जाने दे माई, हे मां मुझे जाने दो, नहीं जाने दे रही, कौन्यो जतन दे ही नहीं जाना, नहीं जाने दूंगी, ग्रस सिन मोही कहो हनुमाना, हनुमान जी ने कहा खा लो फिर, मगर शर्त है मुझे पूरा एक बार में खा लेना, खा लूंगी। फिर वो अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया, यही नहीं योजन भरते ही आनन कीन्हा, योजन एक योजन आठ मील का होता है, उसने अपने मुख को फैला लिया। अब देखिए आप, बुद्धि हनुमान जी की और बल दोनों देखे जा रहे हैं, क्योंकि दो चीजों की परीक्षा लेने आई है, बुद्धि बल मरम ये देना चाहिए। योजन भरते ही आनंद की ना, अपने मुख को उसने एक योजन का फैला लिया, हनुमान जी से दुगने बन गए, बढ़ती गई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, यहां बल भी है और बुद्धि भी है, हनुमान जी अपने बल का प्रयोग पूरी तरह कर रहे हैं, वो बढ़ाता जा रही है मुख को, हनुमान जी उससे दुगने बनते जा रहे हैं। तासु दून कपि रूप दिखावा, उसका दुगना रूप दिखा देते हैं। थोड़ी देर बाद उसने अपने मुख को इतना बढ़ा दिया, तुलसीदास जी कहते हैं सत्य योजन ते ही आनन की ना, सौ योजन 800 मील का समुद्र था, जब देखा 800 मील का मुंह खुल चुका है, सौ योजन का खुल चुका है, तब हनुमान जी ने यहां पर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, बोले 800 मील का बंद करते करते ही एक घंटा लग जाए, सतजोजन ते ही आनन कीन्हा, और अति लघु रूप पवन सुत लीना, हनुमान जी बिल्कुल छोटे बन गए, अति लघु रूप पवन सुत लीना, और तुरंत उनके मुख में प्रवेश कर गए, बदन पठे, बदन में उनके मुख में प्रवेश करते हैं, फुनी बाहर आवा, जब तक तो मुंह बंद करती हाथ जोड़े खड़े थे, बदन पठे फुनी बाहर आवा, और मांगा विदाता ही सिरुनावा, बस फिर क्या था, वो तो परीक्षा लेने आई थी, आशीर्वाद देती है कि ठीक है तुमने काम किया, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, ध्यान दीजिएगा शुरू में था बल बुद्धि की परीक्षा थी, आज उसने परीक्षा ले ली और कहती राम से, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, अरे तुम बल और बुद्धि के निधान हो, कोष हो, खजाने हो, आशीष दे गई सो, जो खाने आई थी वो आशीर्वाद देकर जाती है, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान, हनुमान जी प्रसन्न होकर अपनी अग्रिम यात्रा के लिए, आगे की यात्रा के लिए बढ़ जाते हैं। मित्रों आज के प्रसंग को यहीं पर विराम देंगे एक बात के साथ आपकी, वो ये कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, मैं एक निवेदन करूंगा कि आप हमारे तमाम अपने घर में सबसे पहला काम रामचरितमानस लाकर रखो। एक और बात,
आज की पीढ़ी मुझसे हमारे घर की बेटियां भी कह दिया करती कभी कभी, पापा इसका अर्थ नहीं आता। मैं यही कहूंगा गीता प्रेस गोरखपुर सबसे सस्ती पुस्तकें देता है, रामचरित मानस लेना टीके वाली जिसमें उसका अर्थ लिखा हो। और अगली बार जो मैं आपसे मिलूंगा तो पूछूंगा क्या आपके घर में रामचरित मानस आ गई, फिर मैं आपको एक एक चीजें के बढ़िया सुंदर चीजें बताता जाऊंगा। ये रामचरित मानस वो सागर है जिसमें दुनिया की सुबह से उठने से लेकर रात सोने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी चीजें मिलती हैं, केवल दो चीजें नहीं मिलती। अगर कभी मिले तो मुझे बता देना, पहली चीज बस हमें एक चीज नहीं मिली और वो ये शव यात्रा ले जाने का वर्णन, बाकी दुनिया का कोई काम बाकी नहीं है। इससे बड़ा कोई संविधान नहीं हो सकता। दशरथ जी के मरने तक की खबर तो है, तेल नाव भर नप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरे से भाखा, किंतु शव यात्रा का वर्णन गोस्वामी जी ने नहीं किया। बाकी सारे के सारे जीवन के प्रकरण विद्यमान है। ऐसे उस महामानव को मैं शत शत नमन करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।